सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज है सावन का पांचवा सोमवार। पांचवा सोमवार क्यों है? क्योंकि ना हर तीन साल बाद ना अधिक मास का महीना होता है। अधिक मास का महीना मतलब एक महीना और सावन पड़ता है और आठ सोमवार आते हैं। तो अभी ना आज हम क्या बांटने वाले हैं, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है ना कि हम हर सोमवार ना कुछ बांटने वाले हैं, जो कि इस सोमवार भी आज भी हम कुछ लाए हैं। जैसा कि आपने देखा कि मीठे चावल बना के लाए हैं, लेकिन ना हमेशा ना हमारे साथ ना एक बंदा होता है जो कि ना हमारी बहुत हेल्प करता है। जैसे मम्मी तो बहुत ज़्यादा मतलब बनाती हैं, बहुत अच्छा भंडारा मम्मी कर रही है। मम्मी हमारा ना घर का हलवाई बनी हुई है एक तरीके से। मम्मी बोलती भी है कि मैं घर का हलवाई हूँ, लेकिन ना और भी ना बिहाइंड द सीन में एक बंदा और होता है खास हमारे साथ। वो कौन होता है ना जो हमारी हेल्प करता है बांटने में या रिकॉर्डिंग करने में? हर हर महादेव जी, क्या हाल है जी? एकदम बढ़िया। तो मैं आपको मिलवाना चाह रहा था ना जिस बंदे से, वो है दीक्षा। हाँ तो भाई, तो आज हम मीठे चावल बांट रहे हैं। हाँ, मीठे चावल बांट रहे हैं, लेकिन अधिक मास का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि ना महादेव और विष्णु भगवान जी के लिए होता है ना। हाँ, उनको समर्पित होता है। हाँ, तो मतलब फुल हिंदी। हाँ, मतलब थोड़ा ना पढ़ रहे थे इस बारे में कि ये क्यों होता है, तो वही आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हम भी दे रहे थे, है ना। तो अभी एग्जैक्टली हर तीन साल बाद ही होता है ना। हाँ, जैसे कि ना पिछले तीन साल पहले मतलब जो आया था, तीन साल बाद ऐसे एक महीना और सावन आएगा, मतलब दो महीने सावन आएंगे, जैसे इस बार भी आए हैं। वाली स्टोरी भी बताओ ना जो अभी आप मुझे बता रहे थे कि राम जी वाला। वो राम जी वाली स्टोरी ना पूरी बताएंगे एक बार ना, मैं ढंग से याद कर लूँ कि मम्मी ने क्या बताया था। ये ना शाम को ना मम्मी से बात करके ना फिर एग्जैक्ट बताएंगे, कुछ गलत नहीं बताना चाह रहा मैं आपको। ओके, ठीक है, चलो चले फिर बांटने के प्रोसेस शुरू करें। हाँ, तो फटाफट से चलते हैं, पहले बांटने का प्रोसेस भी शुरू करते हैं ना। तो ये देखो गाइस, हमारी गरीबों की पोटली यहाँ पे रेडी हो चुकी है। हाँ, थैला दूसरा है इसको ना, हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन करा के ना मजबूत सा करवा रखा था। तो ये वाला थैला है जिसमें कि हम आज लाए हैं चावल, और भैया को देना शुरू कर देते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ। आज भंडारे का दिन है, छोटा सा भंडारे का दिन है, खाने का दिन है। आ जाओ बाहर, आ जाओ, फोटो खिंचवाओ। ये लो, पहले आप चम्मच देना चालू करो, सबको चम्मच दिलवाओ, हमारे साथ खड़े हो गए आज। तो गाइस ये देखो, यहाँ भी आ चुके हैं, और ये जो भाई है ना हमारे, भाई को भी दे रहे हैं। तो क्या हाल है भाई? बढ़िया भैया। पहले ये बताओ, वीडियो देखते भी हो? वीडियो देखते हैं। कैसी लगती है वीडियो? बहुत बढ़िया लगती है ना। बढ़िया, कौन सी शॉर्ट्स देखते हो, व्लॉग देखते हो, कौन सी देखते हो? जो दोनों देखते हो, कौन सी ज्यादा पसंद है ये बताओ? कौन सा कंटेंट ज्यादा पसंद है, शॉर्ट्स पसंद है या व्लॉग पसंद है? शॉर्ट्स पसंद है ज्यादा, कॉमेडी वाली है जो आप यहीं पे बनाते हैं स्कूल में। चलो ठीक है, ऐसी प्यार देते रहो, और भाई को ना देने आए हैं। देखो हम यहाँ पे ना प्रसाद हमने भी दे दिया है, मना नहीं करते प्रसाद को, पाप चढ़ता है। आंटी को दो, थ्री लेफ्ट और चम्मच है दो, तो कैसे चलेगा काम? कालिया कोई पेरेंट को दे दी, घर जाके खा लेंगे अपनी चम्मच से। तो कालिया ये तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है कालिया, है? दिक्कत नहीं होगी, सबके घरों में चम्मच अवेलेबल है। अवेलेबल है? हाँ। वैसे मोस्टली लोग हाथ से भी खा लेते हैं, तो कुछ खास दिक्कत होने नहीं वाली है। गाइस इस बार भी फटाफट से जल्दी बट गया हमारा, है ना, तेज बट गया। दे दो, बोलो अंकल जी प्रसाद है, बोलो अंकल जी प्रसाद। अंकल जी तो नॉट इंटरेस्टेड, और अंकल जी थे गुस्से में, है ऐसा लग रहा था ना गुस्से में अंकल। अंकल इसने बोला भी दीक्षा ने प्रसाद, मना ही कर देते। हाँ जैसे हमें ना रिक्शे वाले ने ना मना किया था, है ना, हाथ जोड़ लेते क्योंकि ना उनका पेट भरा हुआ था, मतलब हाँ फास्ट भी हो। तो कई लोगों को ना ये भी अच्छी बात लगती है कि ना जिनका पेट भरा हुआ होता है ना, वो अच्छा है कि मना करते, क्योंकि ना फेंके ना प्रसाद को, क्योंकि बहुत प्यार से और भोग लगा के हम लाते हैं। लो अंकल जी प्रसाद का। तो गाइस हमारा यहाँ पे प्रसाद जो कि ना बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बट गया है जी, इस बार ना दीक्षा ने सारा बांटा, सारा है ना, हाँ ए टू जेड लगभग। नो हेल्प, क्या चम्मच नहीं बांटी मैंने, चम्मच अगर मैं ना दूं ना तो लोग ना खा ना पाए। हाँ, चम्मच बस, चम्मच पकड़ के घूम रहे थे, चम्मच देख रहे हो भाई। अब बोलो ना, वीडियो के अपने आप बन रही है। तो हर छोटे काम की ना कदर होती है, मेरा छोटा सा काम था लेकिन कदर थी उसकी, अच्छी वाली ऊंची पोस्ट। आज मुझे मौका मिला है, शुरुआत से लेकर एंड तक मैंने बांटा है, वरना हर सोमवार ना मैं ही बांटता था, है ना। तो आज मैंने कहा कि दीक्षा को चांस देते हैं, पूरा दीक्षा से बंटवाते हैं।
मतलब लाए हम भी हैं, मतलब बांटा सबका कंट्रीब्यूशन, सबका कंट्रीब्यूशन है। आप लेके आए हो, डब्बों में डाला है आपने, मम्मी ने बनाया है, मम्मी ने बनाया है अपने हाथों से, सारा मम्मी बनाती है, मतलब इतनी मेहनत करती है। वही तो, और सबका कंट्रीब्यूशन है। हाँ, एक बार तो दीक्षा ने भी घर आके जल्दी जल्दी जो बनवाया था, आपको याद होगा मैंने कौन से वाले मंडे बनाए, वो आप बताओ भाई, आप बताओ या आप लोग बताओ भाई, मेरे को नहीं बताओ भाई, आप बताओ, आप बताओ कौन सा सेकंड सोमवार, और क्या बांटा था, आलू की सब्जी और पूड़ी, आलू की सब्जी और पूड़ी बाटी थी, जो मैंने तली थी पूड़ियां, लोई बना के। yes. तो गाइस बहुत अच्छा हुआ था, वो वाला ब्लॉग नहीं देखा जल्दी से जाओ कार्ड पे मेंशन कर देना, यहाँ कहीं आ रहा होगा या मैं डिस्क्रिप्शन में ना जितने भी सोमवार गए ना इस ब्लॉग में सबके लिंक भी डाल दूंगा, जो भी हमारे छोटे मोटे 50-60-70 व्यू है, इतना सस्ता था, लो क्वालिटी थैला, सिटी सेंटर का थैला है ये भी पता, 35 रुपए का थैला लाया हूँ मैं, महंगा खरीद के, वो वाला आपने सही किया था, इसके अंदर आपने वो कर दिया था ना कपड़ा, हाँ, तो थोड़ा मम्मी ने लगा रखा था, क्वालिटी से हाई क्वालिटी हो गया था, इसमें भी कर देना। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करें, लाइक करिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और ऐसी ना अभी ना 3 सोमवार और बाकी है, तो सोमवार को बढ़िया बढ़िया बांटेंगे, और आप लोग भी बता सकते हो कि क्या बांटें क्या ना बांटें। अब नेक्स्ट मंडे आप कुछ इंटरेस्टिंग सा बांटेंगे, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग सा बांटेंगे, और एक बार ना बीच में एक थर्सडे को भी कुछ बांटेंगे, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर वो चीज होगी तो एक थर्सडे को ना कुछ बढ़िया करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। चलो गाइस, बाय बाय गाइस।